हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई मैंने अपने रैबिट को ला के चारा डाला है, तो मैंने इनको खोला है। ये देख सकते हैं, ये अभी चारा खा रहे हैं। इसे सारे निकल है, इनको मैंने दाने डाले हैं। इन सब को देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से दाने खा रहे हैं। ये वो एक खरगोश नहीं निकली, वो वाइट वाला खरगोश, उसको लेने गया, वापस से नज़र आ गई खुड्डे के अंदर, वो फिर वापस मुड़ गया। देख सकते हैं ये देखें, ये खा रहे हैं सारे जाने। देख सकते हैं ये दाने बड़े शौक से खाते हैं ये। ये मैंने चार से इतने ज़्यादा हो गए, चार लिए थे इतने ज़्यादा हो गए। देख सकते हैं ये पहले तो मुझसे बहुत डरते थे, अभी ये मुझसे इतना नहीं डरते। अभी तो मेरे पास आ जाते हैं, उनको पता है इसने दाने डालने होते हैं, इसने घास डालना होता है। ये देख सकते हैं ये एक वाइट और ब्लैक कान वाला खरगोश है। इसका एक कान वाइट है, एक ब्लैक है। ये अंदर जो है वाइट खरगोश नहीं बैठी हुई, को खरगोश देखने गया था, ये वो वाइट खरगोश नहीं है। ये देख सकते हैं ये मैंने खुड्डा बनाया हुआ है, मैंने मिट्टी डाली थी, इन्होंने इसके अंदर खुड्डे निकाली हुए। अब ये भी बाहर आ रही है, देख सकते हैं ये बाहर आ रही है। अब ये बाहर से खुड्डा देख सकते हैं, खुद बनाया हुआ है मैंने। ये सारे दाने खा रहे हैं। अब मैं इनके पास जाता हूँ, देखें डरेंगे नहीं। ये देख सकते हैं ये कितना मैं इनके पास चले गया हूँ, ये डर नहीं रहे। ये देख सकते हैं ये दाने खा रहे हैं दाने। जो था ये वाइट है, इसकी आंखें भी ऑरेंज हैं, इसकी आंखें ये ब्लैक की आंखें ब्लैक हैं। देख सकते हैं ये सारे, ये ब्लैक वाले के बच्चे हैं, ये सारे वाइट जो फुल ब्लैक है, ये उनके बच्चे हैं ये वाइट। मैं तो दाने फेंक रहा हूँ, ये भाग नहीं रही, डर के बैठ गई आराम से। भाग गई, अब मुंह पे लगे हैं दाने इसके। देख सकते हैं ये भाग रहा है ये भी। ये देख रहे हैं ये भी, दोनों भी खा रहे हैं। अब ये बहुत खुश हैं, इनको मैंने खुड्डे के अंदर बारिश निकाला इसकी वजह से। आपको लोग किस तरह लगा कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।